जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए SRC GT का तीसरा क्लास लेकर आए हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए। आपको जो आएगा वो कमेंट कीजिएगा। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है? विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क, ये सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पलवोरिन, सीसा, एल्युमिनियम, पोटेशियम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइरीन, एथिलीन, ब्यूटाइडाइन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आइसोप्रीन। जो बहुलक होता है रबर का वो आइसोप्रीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम, आर्गन, नियान, ऑक्सीजन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा पाया जाता है तत्व वो हीलियम है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का प्रमुख घटक है मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्रोपेन। जो एलपीजी का प्रमुख घटक है वो प्रोपेन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीव जीव को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? IUCN द्वारा जो संकटग्रस्त जीव को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन में है 7 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में, 4 वर्गों में। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 7 वर्गों में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मिनामाता रोग किस कारण से हुआ था? मिनामाता रोग किस कारण से हुआ था? पारा, जस्ता, कैडमियम, सीसा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पारा। और एक किसके कमी से होता है? ए विटामिन डी की कमी से होता है पारमीमांसा वाला रोग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जो पहली पोलियो वाला लगाया गया था रोकथाम के लिए वो किसने बनाया था वो पूछा है। J.H. गिब्बन, जोनस ई साल्क, रॉबर्ट एडवर्ड्स, जेम्स सिंपन्स। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जोनस ई साल्क। जोनस ई साल्क हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप जो रास्ता है उसका खोज किसने किया था भारत के समुद्री का? ऑप्शन में है वास्को डिगामा, अमुत सेन, क्रिस्टोफर कोलंबस, जान काबोट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस। ये रास्ता को खोज कर लिए थे और भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। आप लोग सब जब तो जानते ही करते हैं। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व, वैश्विक वैश्विक मैत्री, वैश्विक भरोसा, वैश्विक निष्ठा। करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक बंधुत्व। जो दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, ये पूछ रहा है। रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है वो किससे संबंध है? किस जैसे उद्योग से या कुछ
कोयला क्षेत्र से, लौह अयस्क के मैगजीन से, कापर से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला क्षेत्र से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रानीगंज जो है वो कोयले से संबंधित है, वहाँ कोयला पाया जाता है। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोखले ने, गोविंद रनाडे। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है, इसमें पूछा है जो अपवर्तनांक आँख वाला है वो किससे संबंधित है? लेंस, इक्यूएस ह्यूमर, कचाब्द रोग, विट्रियस ह्यूमर, कर्निया। इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लेंस, लेंस से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देते हैं, गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा चावल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंपा और स्पीति को, कालीपंपंग और ल्हासा को। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा श्रीनगर और लेह को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एंजाइम होता है, एक होते हैं एंजाइम होते हैं, सूक्ष्म जीव, फफूंद, अकार्बनिक यौगिक, प्रोटीन। ई ऑप्शन दे दिया, इसमें कोई नहीं है, आप कमेंट भी कर सकते हैं क्या होगा इसका। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम होते हैं प्रोटीन, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? ये पूछ लिया है, भारत के राष्ट्रपति जो हैं हमारे वो किसका नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं इसमें तीन हैं और बाकी एक नहीं है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष वित्त आयोग, थल सेना अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, इसका लोकसभा का अध्यक्ष का ये नियुक्ति नहीं करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्षेत्र में पूरे साल वर्षा नहीं होती है, भूमध्य सागर, विषुवतीय, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्षेत्र में पूरे साल वर्षा नहीं होता है, विषुवतीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा विषुवतीय। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? प्रतिजैविक, एनाजेलिसिक, एंटी पायरेटिक, डिसाइनफेक्ट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एनाजेलिसिक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कैटरीन नाम दिया गया है, कैटरीन नाम दिया गया है, अब बताइए कैटरीन नाम दिया गया है उपग्रहों को, तारे को, उष्मा तरंग को, प्रभंजे को। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्रभंजक को। ये प्रभंजे, सॉरी ये प्रभंजे नहीं है, ये हो जाएगा प्रभंजक। प्रभंजक को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का, बल का, संवेग का, शक्ति का। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
मरकरी है ठोस धातु, द्रव अधातु, ठोस अधातु, द्रव धातु। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा द्रव धातु। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 3 महीने, 9 महीने, 2 महीने, 6 महीने। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 6 महीने। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ये पूछ लिए, भारत संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विपक्षी दल का नेता, विपक्षी दल का नेता। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन थे उनके द्वारा हमारे यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उन पर महाभियोग चलाया गया था। ऑप्शन में है वारन हेस्टिंग, विलियम बैंटिंग, वेलेजेली, कार्नवेलिस। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वारन हेस्टिंग। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति का नाम? 1600 राजीवी, 1600 सौमिक कपाडिया, के जी बालकृष्ण, मुकुल रोहतगी। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1600 सौमिक कपाडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करते हैं, जब वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो क्या पैदा करती है, पूछ रहा है। ऑप्शन में अमोनिया, जल, मीथेन, कार्बनिक अम्ल। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये तो सब लोग जानते हैं, साइंस का क्वेश्चन है। यकृत, लिया, मस्तिष्क, हृदय। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। होमवर्क है, आप कमेंट में करके हमको बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल अभी बना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चलते हैं। धन्यवाद।